अवेंजर्स 4 आने में अब ज्यादा टाइम तो नहीं है और इसको लेकर बहुत सारे अपडेट्स भी आ चुके हैं और वो भी तब जब इसके मार्केटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया है। एंड ये प्रूव करता है कि इस मूवी को लेकर कितना हाइप क्रिएट हो चुका है। एंड आज के वीडियो में मैं आप सबको 12 ऐसी ही चीजें बताऊंगा जो कि इस मूवी में होंगे एंड मूवी के लिए ये सब पोटेंशियल स्पॉइलर हो सकते हैं। हॉकआई विल रिटर्न। भले ही इन्फिनिटी वॉर से पहले हॉकआई को कोई वैल्यू नहीं देता था, लेकिन जैसे ही रूसो ब्रदर्स ने हॉकआई को इन्फिनिटी वॉर से गायब कर दिया, तब जाकर सारे फैंस को इस कैरेक्टर की वैल्यू समझ में आई। अब जो फैंस हॉकआई को भाव ही नहीं देते थे, वो इसी कैरेक्टर का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। एंड उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि अवेंजर्स 4 में हॉकआई रिटर्न करेगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल रिटर्न नहीं होगा बल्कि वो कॉमिक से अपना रोनिन पर्सोना में रहेगा। क्वांटम रियल्म इज इम्पोर्टेंट। क्वांटम रियल्म के बारे में या फिर इसका जिक्र हमें सिर्फ एंटमैन की 2 मूवीज में देखने को मिला, लेकिन अवेंजर्स 4 में हमें क्वांटम रियल्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पूरी स्टोरी का सेंटर यही क्वांटम रियल्म होगा। यहाँ तक कि हैंक पिम का रोल प्ले करने वाले एक्टर माइकल डगलस ने ये भी रिवील कर दिया कि क्वांटम रियल्म सिर्फ अवेंजर्स 4 तक ही नहीं बल्कि आगे आने वाली मूवीज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। द रिजरेक्शंस। भले ही इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग में हम सब सदमे में चले गए थे और यही सोच रहे थे कि थानोस के स्नैप से मरे कैरेक्टर्स वापस आएंगे या नहीं, लेकिन फेज 4 में आने वाली मूवीज के अनाउंसमेंट और सेट के फोटोज से ये कंफर्म हो गया कि इनका रिटर्न तो पक्का है। जैसे कि पीटर पार्कर, निक फ्यूरी, एजेंट मारिया हिल, ये सब इन्फिनिटी वॉर में नहीं बच पाए थे, बट फार फ्रॉम होम के सेट फोटोज ने इनके रिटर्न को कंफर्म कर दिया। लेकिन जो कैरेक्टर्स स्नैप से पहले मरे हैं उनके रिटर्न पर अभी भी कंफ्यूजन है। पेपर पॉट्स विल गेट एन आर्मर। ग्विनेथ पेल्ट्रॉ या फिर पेपर पॉट्स को हमने आर्मर में आयरन मैन 3 में देखा था, जहां भले ही वो इसका यूज नहीं करती, लेकिन अवेंजर्स 4 में ऐसा फिर से होने वाला है। जी हाँ, पेपर पॉट्स को कॉमिक से उनका रेस्क्यू आर्मर मिलने वाला है एंड कुछ दिन पहले ही उनकी ये फोटो सामने आई। अब इसी के बाद ये फैन थ्योरी आने लगी कि टोनी की हेल्प करने पेपर ये आर्मर पहन के टाइटन पे जाएगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि हमें पेपर पॉट्स के रूप में एक नई फीमेल सुपर हीरो मिलने वाली है। न्यू वेपन्स। अवेंजर्स 4 में किसी 2 कैरेक्टर के बीच एक मेजर फाइट होने वाला है, तो वो है थानोस और कैप्टन मार्वल के बीच, और एक ऑसम फाइट के लिए जरूरत होती है एक ऑसम वेपन की। थानोस के इन्फिनिटी वॉर में गॉन्टलेट के अलावा किसी और वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अवेंजर्स 4 उससे भी खतरनाक होने वाला है, इसलिए यहाँ थानोस को भी एक नया सॉर्ड मिलेगा और साथ ही नया आर्मर भी। वहीं दूसरी तरफ एक और लीक से कैप्टन मार्वल का भी पोटेंशियल वेपन लीक हुआ। ऐसा ही सिमिलर एक्स वो कॉमिक्स में भी यूज करती थी, लेकिन थानोस के वेपन की तरह कैप्टन मार्वल की वेपन की कोई कंफर्मेशन नहीं है। रिटर्न ऑफ एंशिएंट वन। अवेंजर्स 4 में जहां इन्फिनिटी वॉर के कुछ कैरेक्टर्स को रिजरेक्ट किया जाएगा, वहीं पुराने मूवीज के कुछ डेड कैरेक्टर्स को भी रिटर्न होगा। उसी में से एक है एंशिएंट वन। डॉक्टर स्ट्रेंज को आज सॉर्सरर सुप्रीम बनाने के पीछे कोई है तो वो यही कैरेक्टर है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के एंडिंग में हमें ये दिखाया गया कि ये कैरेक्टर मर जाती है, लेकिन अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि अवेंजर्स 4 में हमें इस कैरेक्टर का रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये सीन फ्लैशबैक की सीन हो सकती है या फिर टाइम ट्रेवल की भी, और ऊपर से ये रोल भी काफी छोटा होगा क्योंकि एक्ट्रेस ट्विल्डा स्विंटन ने बस एक दिन की ही शूटिंग की थी। द ग्रेट कैमियो। ये तो सबको पता है कि स्टैनली अब हमारे बीच नहीं रहे, एंड इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर सारे फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर हमें स्टैनली का कैमियो अवेंजर्स 4 में मिलेगा या नहीं। और वैसे ही फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि स्टैनली ने अपना कैमियो पहले ही शूट कर लिया था। अब इससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि मार्वल वाले इस बार स्टैनली के कैमियो को थोड़ा ग्रेट जरूर बनाएंगे, और ऊपर से ये भी कंफर्म है कि इस बार अवेंजर्स 4 में किसी सुपर हीरो के एंट्री से ज्यादा स्टैनली सर के एंट्री पे सिटी बजेगी। द न्यूयॉर्क बैटल। अवेंजर्स 4 को लेकर एक और बात जो कि इन्फिनिटी वॉर के आने के जस्ट बाद ही कंफर्म हो गई थी, वो ये कि हमें इस मूवी में फिर से न्यूयॉर्क बैटल देखने को मिलेगा, और ये सब सेट के फोटोज से रिवील हुआ। यहाँ यूनिक ये था कि स्टीव रॉजर्स अपने क्लासिक सूट में था एंड टोनी अपने इन्फिनिटी वॉर के लुक में, और इन दोनों के साथ एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग भी था, जिससे तो ऐसा ही लग रहा है कि एंटमैन का अवेंजर्स 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब वो फिर से न्यूयॉर्क बैटल कैसे विजिट करेंगे, टाइम ट्रेवल, क्वांटम रियल्म या फिर बाफ टेक्नोलॉजी, ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये तो कन्फर्म है कि हमें न्यूयॉर्क बैटल फिर से दिखने वाला है। रिटर्न ऑफ लोकी। इन्फिनिटी वॉर में सबसे ज्यादा कुछ शॉकिंग था तो वो था लोकी का डेथ, जो कि स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही हो गया, और इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि सबका फैन फेवरेट विलेन लोकी कभी लौटेगा या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, अवेंजर्स 4 के सेट फोटोज में लोकी भी दिखा है। लेकिन डॉट यहाँ पे ये है कि इन सीन्स के फ्लैशबैक सीन्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसी के साथ हाल में ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि लोकी को एक अपना सीरीज भी मिलने वाला है,
डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस पे, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इन्फिनिटी वॉर की पहले की स्टोरी रहेगी। तो जो लोग लोकी का रिटर्न चाहते थे उनके लिए ये तो है कि अवेंजर्स 4 में लोकी दिखेगा, लेकिन वो फिर से जिंदा होगा या नहीं इस पर डाउट है। न्यू विलन। पूरे एमसीयू में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन जिसे हमने अच्छे से देखा होगा या फिर जिसने पूरे एवेंजर्स को सॉलिड टक्कर दी होगी तो वो थैनोस ही है, लेकिन एक लीक से ये रिवील हुआ कि थैनोस के साथ अवेंजर्स 4 में एक और विलन भी दिखेगा जो कि थैनोस से भी बड़ा खतरा होगा। अब मैं यहाँ ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये बात 100% सही है, लेकिन ये लीक हुआ है मार्वल के ऑफिशियल मर्चेंडाइज से, जहाँ पैकेट के ऊपर ये बात लिखी हुई थी। एंड इन्फिनिटी वॉर से पहले जितने भी ऐसे लीक्स टॉयज के थ्रू आए थे वो सब सच हुए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नया विलन कौन होता है, और क्या पता इस नए विलन को भी सिर्फ फ्यूचर में आने वाली मूवीज के लिए टीज करके छोड़ दिया जाए। कैप्टन अमेरिका लास्ट मूवी इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा इमोशनल अवेंजर्स 4 होने वाली है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्रिस इवेंस या फिर कैप्टन अमेरिका। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ट्विटर पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अवेंजर्स 4 उनकी लास्ट एमसीयू मूवी होगी। वैसे इस बात का जिक्र उन्होंने 2014 में भी किया था। भले ही हमारे कैप्टन ने थैनोस के स्नैप को सर्वाइव कर लिया होगा, लेकिन अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि अवेंजर्स 4 में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द एंड ऑफ एमसीयू। ऐसा नहीं है कि लिटरली एमसीयू एंड हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही फिक्स है कि आने वाले टाइम में हमें कई नए सुपर हीरोज मिलेंगे, लेकिन जिस स्टोरी को हम सब बचपन से देख रहे हैं वो लिटरली अवेंजर्स 4 के साथ खत्म हो जाएगा। अगर कोई एमसीयू का जिक्र करता है तो आपके दिमाग में इन्फिनिटी स्टोन का जिक्र आता होगा, और इन्फिनिटी स्टोन की हिस्टोरी पिछले 10 साल से हमें दिखाया जा रहा है। एंड अवेंजर्स 4 पे स्टोरी का एक डेफिनेट एंडिंग दिया जाएगा। केविन फैगी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि अवेंजर्स 4 के बाद मोस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन कॉस्मिक होगी, जिसमें हमें स्पेस एडवेंचर ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड उसी के साथ अवेंजर्स 4 के बाद बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स का रिटर्न नहीं होगा, और वो सिर्फ फ्यूचर के सुपर हीरोज के लिए एक आइडल बन के रह जाएंगे। आप सब कमेंट में बताओ कि क्या आप सब अवेंजर्स 4 के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो या नहीं, क्योंकि इसके बाद एमसीयू में सब कुछ बदलने वाला है जो कि आपको हिला के रख देगा। सच बोलूं तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टारगेट करते हैं 10,250 लाइक्स की, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। साथ ही ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जोकर की मूवी के सारे अपडेट्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और क्वांटम रियल के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।